बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आरके नायक आप सभी का इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों संविधान का प्रारंभ देखेंगे। अब तक साथियों जितने भी टॉपिक हमने कवर किए, इससे पहले आशा करता हूं साथियों आपने PDF डाउनलोड कर ली होगी, रिविजन कर रहे होंगे। आज साथियों हम जानकारी प्रस्तावना से संबंधित जानकारी लेंगे, जो कि साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब प्रस्तावना यानी उद्देशिका, उद्देशिका में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। आशा करता हूँ साथियों इससे पहले के वीडियो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो साथियों उन वीडियो को देखिए, और जो स्क्रीनशॉट या फिर जो आपको यहाँ पर PPT दिखा रहा हूँ, वो PPT आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDF आपको जब मिलेगी तो आप उससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, भारतीय संविधान की ये श्रृंखला अगर आपने कंप्लीट कर ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपका भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों इसमें हमने इंडियन पॉलिटी को बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तार से इस तरीके से लिया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि NCERT कक्षा 6 से लेकर 12 तक, और बाकी कौन कौन सी पुस्तक का हमने सहारा लिया है या फिर उनको पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो पूरी जानकारी साथियों आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी बुक रिव्यू के नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको इसमें प्रत्येक टॉपिक जो हमने दिया गया है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ साथियों ये जितनी भी पुस्तक है जिनका PDF अगर आपको चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या फिर आपका मैथ और रीजनिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इनका PDF डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। अब साथियों भारतीय संविधान से संबंधित जो आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जानकारी साथियों आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले साथियों भारतीय संविधान के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, संविधान का प्रारंभ जो है उसके बारे में। तो सबसे पहले साथियों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी इस समय बनकर तैयार हो गया था, और उसके बाद साथियों लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था इसके पीछे हम देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1929 को एक लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कानपुर हुआ था कांग्रेस का, लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य उनका था, जो कि बदल कर स्वराज में बदल गया था, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने कर दी, और 26 जनवरी 1930 को क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा उस समय कर दी थी। उसी तारीख को या फिर उस डेट को एक यादगार डेट बनाने के लिए, और उन्हीं वही तो लोग थे जिन्होंने उस समय ये अपना स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1930 में की थी, तो उन्होंने सोचा कि उसी डेट को यादगार बनाने के लिए कि हमारा जो निर्णय उस समय लिया गया था वो आज भी सही साबित हुआ है, और आज हम उसी डेट को यानी 26 जनवरी 1950 के दिन को संविधान लागू करते हैं। तो ये साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब साथियों इसी दिन को गौरवशाली याद को संजोए रखने के लिए यहाँ पर इतिहास में इसकी प्रासंगिकता जो है उसको बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान को इसी दिन लागू किया जाने का निर्णय संविधान सभा ने लिया। अनुच्छेद उस समय 395 के तहत संविधान लागू होते ही भारत सरकार जो थी उसके अधिनियम संविधान के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए, और इसके साथ ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण के
अतिरिक्त कुछ विशेष विधायी कार्य को भी संपन्न किया, जैसे उनके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों इसमें एक आंदोलन के बारे में जानकारी, पूर्ण स्वराज की मांग जो थी 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था, उस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन में साथियों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग उस समय की गई थी। तो नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो साथियों ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे फर्स्ट में देखते हैं साथियों, ये है आपका 1949 में भारत द्वारा कॉमनवेल्थ देशों की जो संगठन था उसकी सदस्यता ली गई, या फिर उनमें ये भी सदस्य बन गया। अब साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉमनवेल्थ के कौन कौन से राष्ट्र हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्र गीत को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए, यानी निर्वाचित किया गया। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि राष्ट्रगान के अपमान पर जा सकते हैं जेल, और क्या क्या कारण है साथियों वो आप यहाँ पर आने वाले समय में हम देखेंगे। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। अब राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगीत किसने लिखा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये साथियों आपको PDF के रूप में मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, और आपको आगे भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। साथियों मैंने आपके लिए संविधान का निर्माण और लागू करवा दिया, अब इसके बाद बात करते हैं संविधान के बारे में जो। तो चलिए साथियों भारतीय संविधान से संबंधित अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये है साथियों संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले साथियों प्रस्तावना के बारे में आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगी। किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना उस देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले जो सिद्धांत है, सिद्धांत को और लक्ष्यों को मार्गदर्शित करती है प्रस्तावना। और उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना केवल शासन व्यवस्था को चलाने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों को निर्धारित मात्र न होकर राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान उभरे आदर्शों और उनके जो मूल्य थे उनको भी यहाँ पर दिखाती है प्रस्तावना। तो ये साथियों प्रस्तावना से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब साथियों यहाँ पर हम जो हमारी प्रस्तावना है इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले साथियों हम समझ लेते हैं यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में, यानी उद्देशिका। तो उद्देशिका प्रस्ताव साथियों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किया गया था। बाकी साथियों आपको इन सब की PDF जब मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि हमने संविधान से संबंधित जो वीडियो आपको बनाकर दे रहे हैं इसमें कितनी मेहनत की है, यानी कितनी पुस्तकों का यहाँ पर आपको सारांश, यानी सभी जितनी भी पुस्तकें मैंने आपको NCERT बताई है, या M लक्ष्मीकांत है, महेश कुमार बर्नवाल है, DD बसु है, और बाकी साथियों आप यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें देख रहे हो इन सभी में से जो पॉलिटी की पुस्तक है विश्वसनीय, उन गाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए हमने बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। अब चलते हैं साथियों संविधान के जो अंग है उसमें उद्देशिका में 1950 का गोपालनंदवाद है उससे संबंधित, संविधान का भाग नहीं है उद्देशिका उस समय ये कहा गया था, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है यानी न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, शक्ति के स्रोत नहीं है, बेरुबाड़ी मामला 1960 था उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं है ये कहा गया था। लेकिन साथियों 1973 के अंदर केशवानंद भारतीवाद संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया,
यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेरुबाड़ी मामले में क्या निर्णय दिया था और जो केशवानंद भारती था उस मामले में या उस विवाद में उन्होंने बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और भाग के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में साथियों LIC मामला 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा उन्होंने बताया था, उद्देशिका में संशोधन। साथियों 1973 में केशवानंद भारती वाद था, उससे संबंधित आपको मैंने बताया कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग उस समय मान लिया गया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा कि इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में क्या है, संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ सुधार कर सकते हो या फिर ऐसा कोई संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे इसका मूल ढांचा ही खराब हो जाए, इस प्रकार का संशोधन हम नहीं कर सकते। 42वां संविधान संशोधन जो कि साथियों 1973 का केशवानंद भारती बाद, इसमें साथियों आप यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। साथियों 3 जनवरी 1977 में ये संशोधन प्रभावी हुआ था। प्रस्तावना का महत्व, तो साथियों प्रस्तावना का महत्व जब हम समझते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर वो है आपका 1960 का बेरुबाड़ी मामला। जब संविधान के मूल उपबंध स्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के जो अन्य सभी उपबंध है उनको अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया था। 1973 का जो केशवानंद भारती वाद था उसके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। यहाँ पर साथियों आपने देखा उद्देशिका से संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी ली, कब लागू हुआ क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है या फिर अब तक क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, उद्देशिका में पूरी जानकारी आपको मिल गई है। साथियों अब हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कब जोड़े गए थे, कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले इसमें जोड़े जाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, तो प्रस्तावना में साथियों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कहाँ पर जोड़े गए उनको भी हम देख लेते हैं। तो साथियों हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना हम देख लेते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है उस गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी थी साथियों, 26 नवंबर 1949 को, मिति क्या थी साथियों, मार्ग से शुक्ल सप्तमी, और संवत था साथियों 2006 विक्रमी को। तदत द्वारा क्या किया जाता है साथियों, संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये साथियों प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना से संबंधित आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना या कहें उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है
उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था। व्याख्या न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, यानी संविधान का परिचय पत्र है तो प्रस्तावना है साथियों। प्रस्तावना का यहाँ पर प्रारूप आप देख सकते हो, जो कि साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो शब्द कौन कौन से और कहाँ पर जोड़े गए थे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या है साथियों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय शामिल है साथियों इसमें, और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी साथियों 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल के सप्तमी विक्रम संवत जो संवत था क्या है साथियों यहाँ पर 2006 विक्रमी को तदत द्वारा क्या है साथियों इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी इसको हम स्वीकार करते हैं। और प्रस्तावना में साथियों 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों 1976 में तीन नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी जो कि यहाँ पर आप देख सबसे पहले, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष है और अखंडता शब्द है वो भी इसमें जोड़ा गया। तो ये साथियों यहाँ पर है आपका अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। अब साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे वो आपने देख लिया। प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में साथियों हम जो जानकारी दे रहे हैं तो केशवानंद भारती जो मामला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसको और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले साथियों प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये उन सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को समाहित करती है जिनकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। ये उन मूलभूत मूल्यों तथा आदर्शों को दिखाता है जो संविधान के आधार हैं। बेरुबाड़ी यूनियन जो है साथियों ये 1960 का मामला था या वाद था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि प्रस्तावना संविधान बनाने वाले लोगों के मस्तिष्क की कुंजी है लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। अब साथियों संविधान तो बना रही थी समिति या संविधान बनाने वालों की जो मस्तिष्क की कुंजी क्या है, प्रस्तावना है, लेकिन संविधान का भाग नहीं माना कब, 1960 में बेरुबाड़ी यूनियन केस में। लेकिन थोड़े आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला और केशवानंद भारती में अपने इसी फैसले को उन्होंने फेर बदल करते हुए क्या कहा, बदल दिया और बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल दिया प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया जाता है, आज से ये प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग होगा या भाग होगा। इसके बाद साथियों न्यायालय द्वारा इसको क्या है, परिवर्तनीय नहीं है ये और इसमें तथापि क्या है, संविधान का भाग इसको मान लिया जाता है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अगर अच्छी लगती है तो अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको जो पीडीएफ मिली है उसका रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।